सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक माता जी ने पूछा, हमारे पति को बस में करने के लिए क्या करें? मैं कई जगह जाती हूँ और कई लोग पूछते हैं, कुछ माताएं कहती पति को बस में करने के लिए क्या करें, कुछ मंत्र हो तो बता दो, और कुछ बाबा लोग कहते हमारी पत्नी को बस में करने के लिए क्या मंत्र है। मंत्र तो सबको चाहिए पड़ता है, नहीं? अब यहाँ भी आप लोग सोच रहे होंगे, बस में करने का मंत्र हो तो मुझे बता दो। और सच में मंत्र है। मंत्र क्या है कि तुलसी मीठे वचन सो रस पूजत चहूर, बसी करण एक मंत्र है, तू तज दे बचना कठोर। मीठे वचन, अगर किसी को बस में करना है, बसीकरण एक मंत्र है, तू तज दे कठोर वचन, वचन को मधुर बनाए। जब आप कठोर बोलना छोड़ दोगे ना, तो आपके पति, आपकी पत्नी सब आपके बस में हो जाएंगे, आपके पूरा परिवार आपके बस में हो जाएंगे। फिर और कोई मंत्र पर तो हम विश्वास नहीं करते, बसीकरण का कोई मंत्र हो, सबसे सुंदर बढ़िया मंत्र यही है, अपने बाड़ी को मधुर बनाइए। देखिए, जितना मीठा आप बोलते हो सब आपकी ओर आ जाएंगे, फिर किसी को बस में करने की जरूरत नहीं। यही सबसे बड़ा मंत्र है, प्यार से बोलो। एक बार कौवा, जानते हो कौवा, यही बोलते हैं ना, वो एक जगह गया, बैठा और वो अपना आवाज सुनाने लगा, काऊ काऊ करने लगा, और उसको लोगों ने पत्थर मारा, कंकड़ मारा, वहां से भगा दिया। और दूसरे जगह गया, वहां भी उसको पत्थर पड़ा, तो वहां भी उसने कहा यहाँ के लोग अच्छे नहीं है, चला गया। तीसरे जगह गया, वहां भी कंकड़ मारे लोगों ने, क्योंकि वो काऊ काऊ करना नहीं छोड़ रहा था, तो वो वहां भी यहाँ के लोग खराब है कह करके चला गया। और दूसरे जगह में गया, बैठा, और कोयल आ गई। कोयल ने कहा भैया तो क्यों बार बार स्थान बदलता है? तो काग कहता है कि देखो, कहीं के भी लोग अच्छे नहीं होते, कहीं भी जाता हूं वहां पत्थर मारते हैं, कंकड़ मारते हैं, पूरे लोग खराब हैं। तब कोयल कहता है, लोग खराब नहीं है, जब तुम अपना काऊ काऊ करना बंद कर दोगे तो कोई भी तुझे मारेंगे नहीं। लोग खराब नहीं होते, वचन खराब होता है। कठोर उसका जो बाणी था, जो आवाज था, बहुत अप्रिय है, इसलिए सब कोयल को पसंद करते, काग को कोई नहीं करता। इसलिए वचन को मधुर बनाएं। कौवा किसका धन हरे और कोयल किसको दे देती है, मीठे मीठे वचन सुनाकर सबको अपना कर लेती है। कौवा किसी का धन तो हरण नहीं करता, और कोयल किसी को देती भी नहीं है, देती है तो केवल मधुर वचन। इसलिए वचन को मधुर बनाएं, सब आपके बस में हो जाएंगे। प्यार से बोल दीजिए ना।